तो नेक्स्ट पढ़ते हैं जीएसटी का मीनिंग, यानी कि मीनिंग ऑफ जीएसटी। यहाँ पे मैंने दो मीनिंग लिखे हैं। डिफरेंट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर विड्रॉन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स ले रही थी गुड्स एंड सर्विस पे, तो ये सारे के सारे कवर किए और एक ही टैक्स बनाया, ये के सारे कवर करके एक ही टैक्स बनाया, इट्स कॉल्ड अ जीएसटी। मैंने इसके पहले भी बोला था कि डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स लेती थी, वो सारे के सारे को कवर कर दिया, यानी कि सबको मिला के एक ही टैक्स कर दिया, इट्स कॉल अ जीएसटी। क्योंकि स्लोगन भी आ गया वन नेशन वन टैक्स। अब ये स्लोगन का मीनिंग क्या है कि पूरी कंट्री में, इंडिया में कहीं पे भी जाओगे, हर जगह टैक्स सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो और रेस्टोरेंट का जीएसटी रेट है 12%, यानी कि 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी, यानी कि इंडिया के कोई भी रेस्टोरेंट में आप जाओगे तो आपको टैक्स 12% ही पे करना पड़ेगा। यानी कि इंडिया के हर एक जगह जो भी प्रोडक्ट है उसका रेट, यानी कि जीएसटी रेट सेम रहेगा, सभी जगह जीएसटी रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरी बात करते हैं तो टैक्स विच इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऐसा टैक्स जो गुड्स एंड सर्विस पे एप्लीकेबल है, इट्स कॉल्ड जीएसटी, उसको जीएसटी बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ फीचर्स इसके। फर्स्ट है वन टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विस आर कवर अंडर वन टैक्स, क्योंकि यहाँ पे स्लोगन भी दिया है वन नेशन वन टैक्स। सेकंड, टैक्स कलेक्शन टू सप्लाई, सो टैक्स इज कलेक्टेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंप्लीटेशन ऑफ सर्विस इंस्टेड ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑन प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस। अब देखो इसमें क्या होता है, कैसे होता है ये सब कुछ, ये जानने की बात है। फॉर एग्जाम्पल, दो बिजनेसमैन है ए एंड बी। ए ने किसी और के, यानी कि जेड के पास से गुड्स परचेस किया, $50,000 का गुड्स परचेस किया और उस पे समझ लो कि 10% के हिसाब से $5,000 जीएसटी पे किया, यानी कि $55,000 का गुड्स इसने परचेस किया, $5,000 इसने जीएसटी पे किया, किसने, ए ने। अभी यही गुड्स इसने बी को 60,000 में सेल किया, उसका 10% यानी कि 6,000 टैक्स इसके पास से लिया। यानी कि एक बाजू क्या होता है, वन साइड ए ने 5,000 का टैक्स पे किया और बी के पास से 6,000 का टैक्स लिया। सर टैक्स इसने लिया, हाँ देखो जीएसटी में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट सेल करता है वो टैक्स लेता है। ओके कैसे, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने कोई शॉप ओपन की है रेडीमेड क्लोथ की है, तो मैं जहाँ से गुड्स परचेस करता हूँ रेडीमेड क्लोथ, वहाँ पे गुड्स परचेस किया तो उस पर जो भी टैक्स लगता है वो टैक्स मैं वहाँ पे करूँगा, यानी कि मैंने टैक्स दे दिया। ओके उसके बाद मैं अगर कस्टमर को गुड्स सेल करता हूँ तो उसके पास से टैक्स लूँगा, तो सर आपने तो दिया और वापस मिल गया, हाँ वही होता है, गुड्स टैक्स दिया और वापस मिल गया। अब मैंने जितना भी टैक्स पे किया है अगर उससे ज़्यादा टैक्स मेरे को मिलता है तो ईयर के एंडिंग में वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा मेरे को। अगर मैंने ज़्यादा टैक्स पे किया है और सामने से कम मिलता है तो जो भी डिफरेंस अमाउंट, यानी कि ज़्यादा अमाउंट मैंने गवर्नमेंट को पे किया, यानी कि पे किया है, वो टैक्स क्या होगा नेक्स्ट ईयर में मेरे को डिडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है टैक्स कलेक्शन टू सप्लाई, सप्लाई करते हैं तब टैक्स हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल, तो ये जीएसटी के लिए अलग से एक काउंसिल बनाई है, इट्स कॉल्ड अ जीएसटी काउंसिल। ओके और इसका हैंडलिंग कौन करता है, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल वर्क्स एज अ चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। तो फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है। इसमें काउंसिल में क्या होता है, तो इस काउंसिल में
कौन से प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगेगा, किस पे कितना कम करने की ज़रूरत है, किस में रेट ज़्यादा करने की ज़रूरत है एक्सेट्रा, यानी कि टैक्स रिगार्डिंग सारी डिस्कशन यहाँ पे होती है। जीएसटी के रेट भी जीएसटी काउंसिल में फाइनल होते हैं। सो उसके बाद वाला भी हो गया, तो जीएसटी रेट कहाँ से फाइनल किया जाता है, जीएसटी काउंसिल में। नेक्स्ट इंपोर्ट टैक्स क्रेडिट, तो जीएसटी पेड ऑन परचेस एंड अलाउ टू डिडक्शन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि हम जब भी गुड्स परचेस करते हैं तब टैक्स पे करते हैं और गुड्स सेल करते हैं तब टैक्स रिसीव करते हैं, राइट। यानी कि हम क्या करेंगे, जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं तब हम क्या करेंगे, गुड्स टैक्स देंगे, और जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तब टैक्स हमको मिलेगा। नेक्स्ट इम्पोर्ट टैक्स क्रेडिट, सॉरी एक रहेगा इम्पोर्ट एंड जीएसटी हो गया। इम्पोर्ट टैक्स क्रेडिट तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने जो भी टैक्स पे किया है, हमने परचेस किया तब पे किया था, उसमें से हम अब गुड्स हम सेल करते हैं तो जो भी टैक्स मिलेगा, मिला उसमें से पे किया, वो क्या करने का है, माइनस करना है, और डिफरेंट अमाउंट हमको गवर्नमेंट को पेड करनी पड़ेगी। उसके बाद आएगा टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी हो गया कि टैक्स हम जो भी पे करते हैं वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसके हिसाब से जिस तरह आपने सेल किया है उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेती है। अभी हमने देखा था अगर स्टेट के अंदर है तो हाफ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, अगर आप स्टेट के बाहर सेल करते हो तो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। उसके बाद है टैक्स डिटरमिनेशन, ऑल टैक्स एंड रेट ऑन गुड्स एंड सप्लाई आर डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ हेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि टैक्स की प्राइस कैसे पता चलेगी, तो वो गुड्स एंड सर्विस पे डिपेंड करता है, कितना इम्पोर्टेंस है उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाता है। ओके फिर एक रह गया है, नंबर 9 लिखना रह गया है, सॉरी टैक्स रेट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे लास्ट में पेज में आपका टैक्स स्ट्रक्चर दिया है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, डिफरेंट टाइप के शेड्यूल दिए हैं और उसमें टैक्स रेट लिखा है। शेड्यूल 1 दिया है उसमें काफ़ी टाइप की प्रोडक्ट आती है, ऐसी प्रोडक्ट जो शेड्यूल 1 में आती हैं उसका टैक्स रेट शेड्यूल 1 के हिसाब से लगेगा, शेड्यूल 2 में जो प्रोडक्ट आती है उसका टैक्स रेट शेड्यूल 2 के हिसाब से लगेगा। वैसे काफ़ी सारे शेड्यूल हैं वो लास्ट में हम देखने वाले ही हैं। 5 जीएसटी एक्ट तो हमने पहले ही देखा था, CGST, SGST, UTGST, IGST एंड गुड्स एंड सर्विस एक्ट, ये 5 टाइप्स के गुड्स एंड सर्विस टैक्स के एक्ट हैं। एंड यूनिफॉर्मिटी, तो जीएसटी लो रूल्स प्रोड्यूस एंड टैक्स ऑफ टैक्सेस आर सिमिलर, यानी कि जीएसटी का लो रूल्स सभी जगह पूरी कंट्री में उसका रेट उसका लो उसका रूल्स सभी जगह कंट्री में हर एक स्टेट में सेम रहेगा। ओके और उसका इंचार्ज कौन रहेगा, जीएसटी काउंसिल। उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर बोथ, तो ये मैंने आपको करवा दिया अगर इंटर स्टेट है और इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टेट के अंदर, फिर से लिखते हैं इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, अगर आप इंट्रा स्टेट गुड का सेल करते हो यानी कि स्टेट के अंदर ही सेल करते हो तो क्या लगेगा, कौन सा जीएसटी लगेगा, CGST एंड SGST। अगर आप स्टेट के बाहर गुड सेल करते हो तो क्या लगेगा, IGST। उसके एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद में हम गुड्स प्रोडक्ट करते हैं बनाते हैं और वही गुड्स हम सूरत में सेल करते हैं और उसका जीएसटी रेट 12% है। फॉर एग्जाम्पल इंटरस्टेट की बात करते हैं, देखो हम अहमदाबाद के हैं,
हमने 1 लाख का गुड्स सूरत सेल किया और उसका जीएसटी रेट है 12%। तो चलिए 1 लाख का 12% यानी कि 12,000 टैक्स होगा। तो हमने अहमदाबाद से सूरत यानी कि इंट्रा स्टेट स्टेट के अंदर ही गुड्स सेल किया है तो उसमें CGST लगेगा और SGST लगेगा यानी कि 0.5% यानी कि 6% CGST लगेगा, 6% SGST यानी कि 6,000 रुपीज। इसकी जगह हमने दीव में गुड्स प्रोडक्ट किया है और दीव में ही सेल किया है तो भी सेम रहेगा। तो SGST की जगह क्या आ जाएगा, UTGST यानी कि दीव इज अ यूनियन टेरिटोरीज। ओके, यानी कि इंट्रा स्टेट यानी कि स्टेट या यूनियन टेरिटोरीज उसके अंदर ही हम सेल करते हैं। अब देखते हैं इंटर स्टेट में क्या है। समझ लो, अगर हमने अहमदाबाद में गुड्स बनाया है और 1 लाख का गुड्स हमने MP में सेल किया है, GST रेट 12% है, तो 1 लाख का 12% यानी कि 12,000 GST लगेगा। और ये आउट ऑफ स्टेट है यानी कि इंटर स्टेट है तो उसके लिए एक ही GST लगेगा, इट्स कॉल IGST। ओके, इट्स कॉल IGST। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अब देखते हैं कौन सा हम अप्लाई करेंगे। तो अगर आप गुड्स परचेस करते हो तो क्या लिखा जाएगा, अगर परचेस करते हो तो लिखा जाएगा इनपुट CGST या फिर इनपुट SGST, इनपुट UTGST या फिर इनपुट IGST नहीं आएगा। सो इंटर स्टेट है तो अगर आप परचेस करते हो तो ये लिखा जाएगा, बट अगर आप सेल्स करते हो गुड्स क्या करते हो सेल अगर गुड्स सेल करते हो तो लिखा जाएगा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट UTGST। यानी कि स्टेट है तो ये दोनों और यूनियन टेरिटरी है तो ये दोनों, स्टेट है तो ये दोनों, यूनियन टेरिटरी है तो ये दोनों। अगर आप परचेस करते हो गुड्स वो इंटर स्टेट है, अगर इंटर स्टेट है तो उसमें एक ही लगेगा इनपुट IGST और यहाँ पे भी आउटपुट सेल करते हो तो आउटपुट IGST। ओके, ये था GST। अब देखते हैं बेनिफिट ऑफ GST। सो दिस इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ GST चैप्टर्स, बेनिफिट ऑफ GST। आगे हमने काफी कुछ देखा, अब देखते हैं लास्ट टॉपिक उसका बेनिफिट्स क्या है GST का। फर्स्ट यहाँ पे मैंने 11 बेनिफिट्स है वो सबके सब लिख दिया है, लाइक 1 टैक्स, सिंपल टैक्स सिस्टम, रिमूवेबल ऑफ डबल टैक्सेशन, बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन, यूनिफॉर्म प्राइस, रिडक्शन ऑफ टैक्स एविएशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यूजफुल फॉर इकोनॉमिक्स, बैलेंस रिलीजियन डेवलपमेंट, रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स एंड रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशन। सो देखते हैं 1 बाय 1, ये सिर्फ आपको जानने के लिए हैं, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट 1 टैक्स। सो पहले गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्स लेती थी, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती थी इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती थी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, यानी काफ़ी सारे टैक्स के, उन सबको मिला के एक ही टैक्स कर दिया, 1 नेशन 1 टैक्स, इसीलिए बोला जाता है 1 टैक्स। सेकंड है सिंपल टैक्स सिस्टम। सो सिंपल टैक्स सिस्टम में क्या था, तो पहले ये जो GST अप्लाई हुआ उसके पहले की बात हम करते हैं, तो उसके पहले क्या था, तो उसके पहले स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स लेती थी, यानी कि जो भी बिजनेसमैन है उसको काफ़ी सारे टैक्स याद रखने पड़ते थे और पे करने पड़ते थे।
ओके काफ़ी भूल भी जाते थे या फिर एक ही टैक्स डबल बार पे कर देते थे, ऐसा प्रॉब्लम होता था ओके। बट ये सिस्टम चेंज हो गया, सारे के सारे टैक्स को मिला के एक ही टैक्स कर दिया, यानी कि ये समझने में भी सिंपल है और अच्छी तरीके से उसको हम पे भी कर सकते हैं टैक्स, इसीलिए बोला जाता है सिंपल टैक्स सिस्टम, इट्स अ सिंपल सिस्टम। सेकंड, रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन। मैंने अभी बोला आपको कि पहले जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स थे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती थी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड स्टेट गवर्नमेंट भी लेती थी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक अ सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले रही थी और स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही थी, यानी कि उसकी वजह से बिजनेसमैन को डबल टैक्स पे करना पड़ता था, दोनों को देना पड़ता था। उसकी जगह ये वन नेशन वन टैक्स आ गया, यानी कि सबको मिला के एक ही टैक्स कर दिया, इसीलिए जो भी डबल टैक्सेशन का सिस्टम था वो क्या हो गया, बंद, रिमूव हो गया। इसके लिए डबल टैक्स अब भरने की ज़रूरत नहीं होती है। बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन, यानी कि अब डबल टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, डबल टैक्स आपको भरना नहीं है, तो ऑफिशियली जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी, रिडक्ट होगी ओके। सो ये रिडक्शन जो आया प्राइस में, उसका बेनिफिट कस्टमर को भी मिलेगा और बिजनेस मैन को भी मिलेगा। सो टैक्स जीएसटी की वजह से जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। यूनिफॉर्म प्राइस, यानी कि इसका मीनिंग ये होता है कि पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाओ टैक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस भी हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स है, सभी जगह टैक्स सेम रहता है। पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी जाओ, कोई भी स्टेट में जाओ या फिर कोई पर यूनियन टेरिटोरीज में जाओ, टैक्स क्या रहेगा, सेम प्राइस में रहेगा, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। पहले क्या था कि आप अदर स्टेट में जाते हो तो वहाँ टैक्स का प्राइस अलग रहता है, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ मिल रही थी उससे ज़्यादा प्राइस में या फिर टैक्स कम है तो कम प्राइस में मिलती थी, या अब दोनों जगह टैक्स सेम हो गया तो दोनों की प्राइस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट, रिडक्शन इन टैक्स एविएशन। तो पहले क्या होता था, लोग टैक्स चोरी करते थे, एविएशन यानी कि चोरी करते थे, काफ़ी डिफरेंट टाइप के टैक्स थे, उसमें से कुछ टैक्स पे करते थे, कुछ टैक्स नहीं पे करते थे, तो उसकी वजह से कुछ टैक्स क्या हो जाती थी, चोरी हो जाती थी। अब तो क्या हुआ, जीएसटी आ गया, सो जीएसटी में आपको एक ही टैक्स पे करना है, आप एक टैक्स पे करो, उसमें सब कुछ आ गया, यानी कि ये कुछ लोग ऐसे थे कि दो तीन टैक्स पे करते थे, दो तीन टैक्स नहीं पे करते थे, ये सिस्टम अब चला गया। इसीलिए तो ये सारे बिजनेसमैन ने बोला था कि ये भाई जीएसटी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा, क्योंकि काफ़ी सारे टैक्स ये लोग नहीं पे करते थे, वो भी अब पे करने पड़ते हैं, उसकी वजह से वो टैक्स एविएशन करते थे, टैक्स का चोरी करते थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैंने आपको पहले भी बताया, इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको बोला था कि इनपुट टैक्स यानी क्या है। तो इनपुट टैक्स यानी कि हमने जहाँ कहीं पे गुड्स परचेस किया है, हमने गुड्स परचेस किया तो उसको हमने टैक्स पे किया, राइट, हमने यहाँ से टैक्स पे कर दिया। सामने हमने गुड्स सेल किया तो वहाँ से हमको टैक्स मिला, राइट। सोच लो 12,000 का टैक्स पे किया है, सामने से 18,000 हमको मिला है, तो 18,000 में से हमने जो 12,000 पे किया वो निकाल दो, बाकी का कितना टैक्स अभी भी ज़्यादा है, 6,000, तो वो 6,000 गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ओके। सो आपने जो भी टैक्स पे किया है वो आपको रिटर्न मिल जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं यूजफुल फॉर इकोनॉमिक। तो हर एक जगह टैक्स सेम हो गया, वन नेशन वन टैक्स हो गया, यानी कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी क्या हो गई, स्टेबल हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, स्टेबल, और हर एक एरिया डेवलपमेंट पे है। बैलेंस रिलीजियन डेवलपमेंट ये रहा, क्योंकि हर एक जगह टैक्स सेम रहा, हर एक गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, तो उसकी वजह से अपने एरिया का यानी कि अपने स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है, हर एक स्टेट का अभी डेवलपमेंट चल रहा है, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि जीएसटी की वजह से सभी के सभी स्टेट का डेवलपमेंट सेम तरीके से हो सकता है। रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, तो अब तक क्या था, रिडक्शन कैसे आया एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में, तो अब तक
क्या था, डिफरेंट टाइप के टैक्स थे, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की टैक्स ऑफिस रखनी पड़ती थी, डिफरेंट टाइप्स के ऑफिसर भी रखने पड़ते थे। ओके, तो उसमें गवर्नमेंट को एक्सपेंस भी ज़्यादा रहता था और वर्कलोड भी बढ़ जाता था, उसकी वजह से बहुत सारा एक्सपेंस होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी बढ़ जाता था। अब वन नेशन वन टैक्स आ गया, एक ही टैक्स हो गया जीएसटी, यानी कि बाकी की सारी जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की जो ऑफिस है वो सब बंद कर दी और एक ही ऑफिस स्टार्ट की जीएसटी। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी बच जाता है और एक्सपेंस भी कम होता है। एंड लास्ट वन इज रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशन, तो इसमें गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट है क्योंकि एक ही टैक्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन नहीं करने पड़ते हैं और पूरा का पूरा टैक्स गवर्नमेंट को मिल जाता है। चलिए, इसके बाद है रेट ऑफ जीएसटी। ये सिर्फ जानने के लिए आप बुक में देख सकते हो कि आपको दिया है काफ़ी सारे शेड्यूल, शेड्यूल वन, शेड्यूल टू, शेड्यूल थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एक्सेट्रा, और सामने IGST, CGST एंड SGST का रेट भी दिया है। तो ये क्या है, तो शेड्यूल वन, शेड्यूल टू, ये जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम जैसे यूज़ करते हैं तो यूज़ के हिसाब से ये प्रोडक्ट को शेड्यूल में डाला है, शेड्यूल वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स ऐसे शेड्यूल में डाला है। और डिफरेंट टाइप के शेड्यूल में टैक्स कितना रहेगा वो बताया है। फॉर एग्जांपल शेड्यूल वन है, उसमें टोटल टैक्स यानी कि IGST 5% है, तो SGST एंड CGST कितना होगा, तो हाफ ऑफ होगा, 2.5। उसके बाद शेड्यूल टू में 12% टैक्स है, तो 12% है तो दोनों को कितना मिलेगा, S एंड C 6.6%। शेड्यूल थ्री में 18% है तो दोनों को हाफ ऑफ यानी कि 9.9%। फिर शेड्यूल फोर में 28% है तो दोनों को हाफ ऑफ यानी कि 14.14%। शेड्यूल फाइव में 3% है तो दोनों को हाफ ऑफ यानी कि 1.5 एंड 1.5। शेड्यूल सिक्स में 0.25 है तो दोनों को हाफ यानी कि 0.125% दोनों को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट या यूनियन टेरिटोरीज को। ओके, तो ये था जीएसटी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, यानी कि जीएसटी का चैप्टर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।